फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर फ्रेंड्स आप कहीं मनी ट्रांसफ़र करते हैं या किसी को भी आपको अगर आईएफएससी कोड देने की ज़रूरत होता है तो आपके पास अकाउंट नंबर आता है, लेकिन आईएफएससी कोड अगर नहीं रहता है तो आईएफएससी कोड को आप कैसे निकाल सकते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आईएफएससी कोड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। कहीं का भी हो आईएफएससी कोड, किसी भी बैंक का हो और किसी भी ब्रांच का हो, आप उसका ऑनलाइन आईएफएससी कोड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं अपना आईएफएससी कोड सर्च करके बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने ब्रांच का आईएफएससी कोड सर्च कर सकते हैं, किसी के भी ब्रांच का आप आईएफएससी कोड को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देर करते वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड सर्च करने के लिए फ्रेंड्स, यानी कि निकालने के लिए सिंपल से यहाँ से आपको दो तरीका होता है। एक तो होता है आप किसी वेबसाइट के माध्यम से निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक तरीका होता है जो आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आईएफएससी कोड निकाल सकते हैं किसी भी ब्रांच का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्ले स्टोर में आपको जाना है। पहले मैं मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके बता देता हूँ मोबाइल के माध्यम से। यहाँ पर प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है, ठीक है, आईएफएससी कोड, यानी कि आईएफएससी। जैसे इतना सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सिंपल से यहाँ पे आपको इस वाला पे क्लिक कर देना है। आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आईएफएससी कोड ऑल इंडियन बैंक, ठीक है। तो सिंपल से इसी पे क्लिक आपको कर देना है। जैसे इतना अगर नहीं आता है तो इतना लिख करके आप जैसे प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये वाला जो लोगो वाला जो है एप्लीकेशन ये कहाँ पे है, ठीक है। देख सकते हैं आईएफएससी कोड ऑल इंडियन बैंक आईएफएससी, ठीक है। तो सिंपल सी इस वाला लोगो वाला एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे सामने जो ये एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करके आपको बता दिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो यहाँ पे हमको ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर उसके बाद सिंपल से यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करते हैं आप तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जैसे कि एप्लीकेशन अभी ओपन हो ही रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड सर्च करने के लिए आप इस वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मानकर चलिए कि मैं यहाँ पे स्टेट बैंक चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम आते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे हम स्टेट बैंक चूज कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेट बैंक मैं चूज कर लिया हूँ। और स्टेट बैंक चूज करने के बाद यहाँ से आपको स्टेट चूज करना है कि किस स्टेट का वो बैंक है, यानी कि किस स्टेट में आपका वो ब्रांच है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बिहार का चूज कर लेना है क्योंकि मुझे बिहार का देखना है। और उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट का वो मतलब कि ब्रांच है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से मैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक ईस्ट चंपारण ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ईस्ट चंपारण ले ले रहा हूँ। ईस्ट चंपारण लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम देखना है कि आपका ब्रांच इसमें कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रांच में कोई एक ब्रांच यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक पकड़ीदल है जो मैं पकड़ीदल यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। जैसे पकड़ीदल चूज करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकड़ीदल ब्रांच का पूरा डिटेल्स आ गया है, जहाँ पर बैंक का नेम बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ये बैंक का ये नेम बता रहा है और यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस बता रहा है, यानी कि ब्रांच का नेम बता रहा है कहाँ पे ब्रांच है इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला जो है आईएफएससी कोड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो पकड़ीदल ब्रांच हुआ और मैंने जैसे सर्च किया हूँ और यहाँ पर आईएफएससी कोड आ गया। EMICR कोड भी फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं आ गया हुआ है साथ ही साथ। तो आइए EMICR कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और यहाँ पे एड्रेस भी बता रहा है बैंक का कि पूर्वी चंपारण जिला में ये बैंक पड़ता है, जिसका कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है पिन कोड। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बताइए रहा है, यहाँ पे स्टेट भी बता रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से आप देख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं कहीं भी किसी के भी पास, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मोबाइल से, ठीक है। और मैं आपको फ्रेंड्स तो ये तो बता दिया कि आईएफएससी कोड को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ऑनलाइन फ्रेंड्स किस तरह निकाला जाता है वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि वेबसाइट के माध्यम से अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे आप चला रहे हैं तो। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल को आपको ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, आईएफएससी, ठीक है, आईएफएससी कोड लिखिएगा फ्रेंड्स। तो आपके सामने बहुत सारा आईएफएससी कोड जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिख करके आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट आपको खुलकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ गया है। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये वाला वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ये वाला वेबसाइट को मैं, ठीक है, ओपन करके आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ से आपको फ्रेंड्स चूज कर लेना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करके मैं यहाँ से एक बैंक चूज कर ले रहा हूँ, कोई भी बैंक, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलाहाबाद में मैंने चूज कर लिया है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक चूज करने के बाद सिंपल से यहाँ आपको आप स्टेट आप चूज कर लेना है, जो भी स्टेट है। जैसे मैं यहाँ पे बिहार चूज कर ले रहा हूँ, बिहार। और उसके बाद स्टेट चूज करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट भी मैं चूज कर ले रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पे ईस्ट चंपारण फिर से ले रहा हूँ, ठीक है। और ईस्ट चंपारण मैंने डिस्ट्रिक्ट में चूज कर लिया। और यहाँ पे सिंपल से आपको ब्रांच पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी ब्रांच का देखना है आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मोतिहारी क्लिक कर लिया हूँ, मोतिहारी यहाँ पे शो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर दूँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे आईएफएससी कोड जो है यहाँ पे दिखा रहा है इलाहाबाद बैंक का, और यहाँ पे एमआईसीआर कोड भी दिखा रहा है, यहाँ पे बैंक का नेम भी दिखा रहा है, और यहाँ पे और भी डिटेल्स नीचे दिखा रहा है, जहाँ पे ये बोला ऐड को मैं कट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आईएफएससी कोड आपके ब्रांच का क्या है। किसी का भी ब्रांच का कोड आईएफएससी कोड पता करना हो आप उनका पता कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे।